दोस्तों, आज हम जा रहे हैं जनरेटर सर्विसिंग के लिए, रास्ते पे हैं एंड आज आपको कुछ नया देखने मिलेगा। कोशिश करेंगे आपके लिए सबसे बढ़िया हो। तो ट्रांसपोर्ट से हम जनरेटर उठाएंगे एंड प्रकाश जनरेटर्स होल्डिंग जनसेट में आया है। ट्रांसपोर्ट माता ट्रांसपोर्ट तो दोस्तों, हम लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन में और ये देख सकते हैं ये रेलवे का यार्ड है, प्राइवेट है, बट इनका ऑर्डर था कि 6 जनरेटर का सप्लाई, तो हम लोग दे रहे हैं। तो आप अच्छा दोस्तों, मैं थोड़ी सी बेसिक ज्ञान दे दूं, जैसे कि वेल्डिंग क्या होती है, वेल्डिंग मशीन क्या होती है। वेल्डिंग मशीन एक मशीन होती है जिस जो कि जनरेट करती है हीट को एंड दोनों मेटल को पिघला के आपस में कंबाइन करने के लिए काम आती है। तो ये जो वेल्डिंग प्रोसेस है ये एक मशीन से सफिशिएंट नहीं होती, ये अलग अलग मशीन अलग अलग वेल्डिंग के लिए यूज़ होती है। तो ये मशीन जो आप देख सकते हैं ये एक पोर्टेबल जनरेटर मशीन है, जिससे कि ये आपको करंट भी 6 किलोवाट की देगी एंड 300 एम्पीयर की वेल्डिंग करंट भी देती है। 300 एम्पीयर की वेल्डिंग करंट मीन्स आप जो जॉब करते हैं वेल्डिंग का, तो उसको ज़्यादातर जितना अच्छा एम्पीयर होगा उससे अच्छा आपका जॉब वेल्डिंग प्रोसेस जो है अच्छा होता है। तो ये मशीन्स आपके लिए वेल्डिंग का काम बहुत ही अच्छी करती है एंड ये 14 HP इंजन एंड 300 एम्पीयर का वेल्डिंग 14 HP की इंजन एंड 300 एम्पीयर का वेल्डिंग सेट के साथ आती है। तो दोस्तों, जनरेटर के साथ आपको यहाँ एक मैनुअल बुक मिलता है जिससे आपको मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स की लिस्ट है इसमें एंड आपका वारंटी पेपर भी अंदर में रखा गया है। इंजन का नंबर भी है इसमें, एक स्टार्टिंग हैंडल भी मिलता है इसमें, हैवी ड्यूटी हैंडल है ये, तो बहुत अच्छा काम करता है। एक टूल किट्स मिलता है एंड साइलेंसर एंड एयर किनर, ये दोनों चीज़ें आपके इंजन में लगेंगी। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर जो जनरेटर है, देखिए ये जो एयर किनर लगा है और ये साइलेंसर लगा है, एयर फिल्टर अच्छा काम करता है इसमें। तो दोस्तों, इस मशीन से आप 2.5 mm से लेकर 5 mm तक का रड जला सकते हैं। ज़्यादातर जनरली यूज 3.15 and 4 mm रड होती है, मगर इसमें 5 mm तक रड जला सकते हैं एंड आप इससे कास्ट आयरन वेल्डिंग भी कर सकते हैं, जो कि ज़्यादातर जॉब के लिए अच्छी होती है। तो दोस्तों, इंजन के लिए सबसे बेस्ट रहता है प्रकाश के मोबिल, तो हम यह प्रकाश का मोबिल आपको दिखा रहे हैं। जैसे डबल लाइफ होता है, दूसरे मोबिल्स के अलावा इस मोबिल में सबसे ज़्यादा लाइफ होता है। 15W40 का आता है और डीजल जनरेटर ओनली, पंप सेट के लिए अलग मोबिल होता है, मगर ये जो है हैवी ड्यूटी मोबिल है, तो आप इसको जनरेटर्स में गिराइए तो इसका लाइफ जो है अच्छा जाता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं, ये प्रकाश का जनरेटर हम इसलिए रेफर करते हैं कि प्रकाश के जनरेटर्स में हम लोग का 25 साल का एक्सपीरियंस है, हमने 25 साल तक प्रकाश के जनरेटर्स में काम किए हैं। तो ये जो कि वेल्डिंग जनसेट में इनका अच्छा खासा नाम है एंड हम लोग का एक भरोसा है, तो इसीलिए मैं प्रकाश का जनरेटर रेफर करता हूँ। दूसरे जनरेटर इससे सस्ती आती है, चीप रेट आती है, मगर उनके जो प्रोडक्ट क्वालिटी रहता है वो थोड़ा सा पुअर क्वालिटी का रहता है एज कम्पेयर टू प्रकाश जनरेटर्स। इसके रेट थोड़ी हाई है, मगर क्या है ये बजट के हिसाब से थोड़ा हाई पड़ता है, मगर आपको अच्छा परफॉर्म करके भी देता है। तो दोस्तों, मैं बता दूँ, जैसे कि ये जनरेटर जो है 6 kW का आपको आउटपुट करंट देती है सिंगल फेज में, 6 kV ऑफ जैसे देख सकते हैं 230 वोल्ट का, और 300 एम्पीयर की वेल्डिंग करंट देती है, जो कि आपका वेल्डिंग को बहुत ही अच्छे से फाइन वेल्डिंग कराती है ये। सो ये आपके लिए मीडियम एंड हैवी जॉब के लिए भी सबसे बढ़िया होता है, बढ़िया रहता है। एंड दोस्तों, इसमें 14 HP का इंजन लगा हुआ है जो कि 14 HP का पावर जनरेट करती है एंड ये 1500 RPM में घूमती है जो इंजन है एंड इसमें हैवी ड्यूटी
एयर वाटर रेडिएटर भी लगाया गया है। और देखिए जैसे कि हम लोग अभी मोबाइल फिलिंग कर रहे हैं, ऊपर से डालने से क्या होता है फ़ायदे कि ये जो मोबिल है ये पूरे इंजन को पिस्टन होके पूरे नीचे जाती है, जिससे कि ये एक ही बार में मोबिलाइज हो जाती है पूरी पूरी इंजन। तो अभी हमने तीन जनरेटर अच्छे से प्रोसेस कर दिए हैं, पूरे फिटिंग कर दिए हैं और सर्विस भी कर दिए हैं। बस ट्रायल प्रोसेस चल रहा है, दो का ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों इसमें फिनर्क मॉडल का सेमी ब्रशलेस एसी जनरेटर आता है जो कि वेल्डिंग के लिए होता है। इसमें 300 एम्पीयर की वेल्डिंग करंट निकलती है। 2.5 से 5 साइज का रड भी जला सकते हैं इसमें। और ये आप जैसे देख सकते हैं ये मैनुअल कंट्रोल मैनुअल है, इसमें हाई लो करने वाला स्विच भी है एंड आपका जो करंट रेगुलेटर भी है इसमें, जिसे आप रेगुलेट कर सकते हैं करंट को हाई या लो में। एंड एक लाइट भी है जिससे कि आपका इंजन स्टार्ट होता है तो ये लाइट ब्लिंक करता है, जलता है, जैसे कि आपको पता होगा कि जनरेटर में करंट सप्लाई हो रही है। तो अभी हम तीन जनरेटर अच्छे से सर्विस कर चुके हैं, अच्छे से स्टार्टिंग प्रोसेस में जितना जो करना चाहिए था वो करके अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अब जैसे देखे उसी फ्रेंड्स आप सर्विस कर सकते हैं। सर्विसिंग तीन जनरेटर का और तीन जनरेटर का बाकी है। तो वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए और वीडियो को एंजॉय करिए। और यदि आपको ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ 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 आप लोग सब्सक्राइब करिए। कम से कम आपके सब्सक्राइबर से ही हमारा कम से कम इतना इंकरेजमेंट होता है वीडियो बनाने की। एंड खुशी है आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं हम लोग को, एंड हम लोग और ग्रो करना चाहते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ लाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। थैंक यू।